डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट करेंगे। थोड़ा सा बहुत कम कंसेप्ट है और उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग एलसीएम हुआ, एससीएम हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ये अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेनली यही समझना है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which can only be divided by one or itself. Prime numbers ऐसे number हैं जो या तो one से divide होते हैं या खुद से divide होते हैं। और ध्यान रखना है one is neither composite number nor a prime number. तो prime numbers हैं कौन से? पहले तो वो हम कुछ numbers बता दें, कम से कम 30 तक तो prime numbers आने ही चाहिए, but उसके आगे भी आपको ध्यान है तो जब मैं गेस दे दूंगा तो आप लोग उसे प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं, राइट? प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो ध्यान रखिए। अभी कहा था कि प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड ओनली बाय वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिनके फैक्टर्स वन और खुद ही होंगे, ओके? 17, 19, 23 आगे बढ़िए तो 29, ये है प्राइम नंबर्स 30 तक, ओके? इसके आगे और जाएंगे तो जैसे 31 है और 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, ओके? और आप जाएंगे तो 41 है। इस तरह से ये सब नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये अदर नंबर्स से डिविजिबल नहीं है, ओके? वन से या तो डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, तो ये प्राइम नंबर्स है। और इसके बाद वन को कहा गया है कि कंपोजिट नंबर, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो वन को छोड़ दिया है। तो बाकी जो नंबर्स बचे जैसे टू हुआ, अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो अदर नंबर से डिवाइड हो जाए, ओके? जैसे वन तो कंपोजिट नहीं है ना प्राइम है, इसका मतलब बाकी जो इनके अलावा जो नंबर्स बचे, जैसे यहाँ से देखिए 4 है और कौन सा है 6 है, 6 के बाद यहाँ आप देख रहे हैं 8 है, 9 है, 12 है, 14 है, उसके आगे 15 है, इसके आगे 16, 18, 20, 21, 22, 24, ठीक है, और 25 है, 26 है, 27 है, 30 है। ये सभी नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स है, मतलब वो अदर नंबर से डिवाइड हो जाए। खुद से तो डिवाइड ही होंगे, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर्स, राइट? अब इन्हीं पे बेस्ड एक और थ्योरम की हम बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स कहिए या प्राइम नंबर्स के ही कंपोजिट के फैक्टर्स होते हैं, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान रखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बट अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों को करनी है। चैप्टर हम लोगों का कौन सा चल रहा था? चैप्टर है रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर है। तो सेकंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज करते हैं, है बहुत आसान। इसमें जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर, इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, ओके?
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्रेस जो नंबर्स इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हैं एक्सप्रेस ईच नंबर जो भी इसमें दिए हुए हैं ईच नंबर ईच नंबर कहाँ दिए हैं पार्ट्स के रूप में दिए हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स के या प्राइम फैक्टर्स भी लिख देते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दें जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 140 फर्स्ट पार्ट कितना दिया 140 है तो 140 के फैक्टर्स में देखिए पहले क्या करेंगे ये 2 से डिवाइजिबल है 2 से डिवाइड कर दिया 7 किया गया फिर से 2 से हो जाएगा 35 फिर देखिए किससे हो जाएगा 5 से 7 और फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से 1 इसका मतलब जो 140 के प्राइम फैक्टर्स में ये प्राइम नंबर्स हैं 2 × 2 × 5 × 7 या हम इसे 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं × 5 × 7 2 पावर 2 टाइम्स प्रोडक्ट 2 के पावर में 2 लगा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए 140 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया प्राइम फैक्टर सही है ओके तो आई थिंक समझ में आ गया होगा फिर भी हम एक पार्ट इसमें और बता दे रहे हैं डिविजिबिलिटी जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं वो आने चाहिए आप पहचान जाएं कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा या 5 से होगा या 7 से होगा ठीक है जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल है वो आप लोगों को आने चाहिए पहले पढ़ चुके हैं बेसिक्स तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स हो गया एक पार्ट और इसका बता दे रहे हैं और चलिए फोर्थ पार्ट बता दे रहे हैं और लिखा है 5005 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने 5005 है तो 5005 आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये लास्ट में 0 या 5 होता है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में 5 है तो 5 से आ जाएगा 5 बन जा 2 0 बचा 1 जा अब इसे देख रहे हैं कि किससे डिवाइड होगा 1001 ओके चेक करना है कि ये किससे डिवाइड हो सकता है क्या 1001 प्राइम नंबर्स नहीं है ये भी देखना है ओके देखिए किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये ध्यान देना है फोर्थ पार्ट है यस अभी 7 से हो जाएगा 11 से हो जाएगा और 13 से हो जाएगा 7 से हो जाएगा देख लीजिए 7 बन जा 7 3 0 7 4 जा और 7 3 जा फिर देखिए 13 से भी हो जाएगा 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13 फिर 11 से हो जाएगा ओके तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 के जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको भी ध्यान रखिएगा और उसके बाद 13 से तो सीधे सीधे दिख रहा है 11 से भी तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने इसके कर लिए देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 7 11 और 13 इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएल of the following pairs of integers देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में LCM भी निकालना है HCF भी निकालना है और एक रिजल्ट होता है देखिए इफ टू नंबर्स आर रिजल्ट जरा एक ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है कि इफ HCF इफ टू नंबर्स आर गिवन या टू इंटीजर्स आर गिवन हमने लिख दिया टू इंटीजर्स और given या two numbers are given then उन numbers का जो HCF और LCM को multiply the product of two numbers ये होता है first number into second number ऐसे भी लिख सकते हैं इसको HCF into LCM और is equal to first number into second ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई ओके तो सबसे पहले हम इसमें सभी पार्ट्स में इसके जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उसमें टू नंबर्स आ गए हैं
and we have to find the HCF as well as LCM and then verify the result. HCF into LCM is equal to product of two numbers. Okay, जो given numbers होती है. चलिए इस question को पहले देखते हैं क्या reference दिया है question का. Question number two ये दिया है. Question number two दिया है find the LCM and HCF. Find the LCM and HCF या HCF and LCM. पहले LCM दिया है LCM and HCF list. Okay, इसमें जो LCM और HCF निकालते हैं वो निकालने हैं of the following pair of integers. Of the following pairs of integers. Okay, and verify that, और इसको verify भी कर, and verify that, वही formula जो मैं बता रहा था, LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers, इसको verify कर, इसका मतलब क्या होगा कि दो numbers दिए होंगे, उनका LCM निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे. और जो दो नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट निकाल देंगे वो इक्वल आ जाएंगे तो ये वेरीफाई. ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. सेकंड का फर्स्ट पार्ट ध्यान है ना, इसमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है एलसीएम भी निकालना है. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, फर्स्ट पार्ट ये सारे पार्ट एक ही जैसे होंगे 26 एंड 91. इन दोनों नंबर्स का हमें HCF और LCM दोनों निकालना है. चलिए कोई पहले निकाल लीजिए. उसके लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 into 30. 91 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 into 30. राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना पड़ेगा जैसे मैंने निकाल के बताया. नहीं कर सकते हैं तो डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से हो जाएगा ये 7 और 30. राइट, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना. ये प्राइम नंबर्स हैं इसीलिए मैंने 30 तक के प्राइम नंबर्स बताए थे. तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं. देखिए एचसीएफ में क्या करिए कि जो दोनों में हो कॉमन, जैसे ये 13 और 13 दोनों में कॉमन है तो आपने इसको एचसीएफ, दोनों में जो हो फैक्टर वही एचसीएफ होता है. एलसीएम कौन सा होता है, देखिए एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, पहले तो एचसीएफ लिख दिए वही कॉमन वाला, और जो फर्स्ट वाले में बचे उसे और जो सेकंड वाले में बचा हुआ है उसे अब इसे मल्टीप्लाई क्या कहा गया. एलसीएम में पहले तो दोनों का ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. एक एचसीएफ आपने यूक्लिड का मेथड सीखा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखा था. बट इस ये फैक्टराइजेशन मेथड है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का दो नंबर से. ओके, तो देखिए इसमें एलसीएम तो जान गया कि जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर्स उनको ले देते हैं. अगर ये दो होते तो दोनों का मल्टीप्लाई आ लिख देते. और एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट में बचा है उसे, जो सेकंड में बचा है उसे लिख लेते हैं. अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए. राइट, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2 और यहाँ से 14 हो जाएगा ना, ये 13 इंटू 14 हो जाएगा. ये तो 14 में 13 का मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 52, 5 हो जाएगा 13, 5 कितना हो गया
तुमने सही नहीं किया, प्लीज दो यहाँ दो, थर्टीन टू 26 टू 13 जा 104 एंड 106 होगा और 13 23 ठीक है, और यहाँ भी कितना आ गया 33 66। तो उन्होंने क्या पाया कि जितना एलसीएम और एचसीएम का प्रोडक्ट आ रहा है उतना ही दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए वेरीफाई हो गया। देयरफॉर हम लोगों ने क्या देखी है यहाँ पे, देयरफॉर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके नंबर इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस तरह से हम लोगों ने वेरीफाई। ओके, ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, ये वेरीफाई कर लिया। उन्होंने यहां पाया कि एलसीएम और एचसीएम का प्रोडक्ट जितना आ रहा है उतना ही दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो इसमें जो अदर पार्ट्स हैं जैसे सेकंड पार्ट में 510 है, 92, 356, मेथड यही है कि पहले आप एलसीएम निकालिए, एचसीएम निकालिए। आई थिंक आप तो सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो उसी तरह से फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन दिया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम। ओके, बट यहां अंतर ये है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स following integers by applying the prime factorization, by applying the prime factorization, okay? जो अभी method आप prime factorization का देख रहे थे उसी से इनको करना okay? तो but अंतर ये है कि इसमें there are three numbers are given इस question के part में, third के part में दो से ज्यादा नंबर्स यानी थ्री नंबर्स गिवन है उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट बता दें। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है किन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ, 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 उसी तरह से फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं देखिए 3 × 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7। अब इनका एचसीएफ देखिए कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन कौन सा है 3 3, तो ये इसका एचसीएफ हो गया राइट। एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिए, एलसीएम में पहले इनके कॉमन, इनके कॉमन क्या है 3, यानी 3 3 हो गया। उसके बाद दो दो को कॉमन देखते हैं, इसमें और इसमें कोई कॉमन है नहीं है, इसमें इसमें कोई कॉमन है नहीं है, और इसमें इसमें भी फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन नहीं है, सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है, और फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है, अगर होता तो लिखते। अब उसके बाद जो फर्स्ट में बचा है, फर्स्ट में क्या क्या बचा है 2 × 2, यानी ये और ये फर्स्ट में बचे हैं 2 × 2, 5 सेकंड में बचा है और 7 थर्ड में बचा है, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 5 16 यानी 420। ओके, और 3 2 6 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10 2 20 20 3 60 60 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 420 आ जाएगा। तो ये एलसीएम राइट। इसमें जो अभी दो नंबर्स के लिए कहा था प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये केवल दो नंबर्स के लिए सही है, थ्री नंबर्स ये सही नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसका एचसीएफ भी निकाल लिया, कितना आया 3, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम हम लोगों का आ गया इसका 420। ओके, तो ध्यान रखना है। चलिए इसका एक और पार्ट बता दें, ये फर्स्ट पार्ट था और थर्ड का सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। ओके, 17, 23 एंड 29 इनका एलसीएम और एचसीएम। देखिए पहले 17 का ये प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान रखना है। तो प्राइम नंबर्स में क्या है कि 1 × 7 17 हो जाएगा, 23 में क्या हो जाएगा 1 × 23, और 29
इसमें हमेशा SCF 1 होता है, क्योंकि देख लीजिए इसमें जो SCF है, जो सब में कॉमन है वो क्या है, SCF इज इक्वल टू होता है 1। और LC में देखिए इनमें कोई कॉमन नहीं है, LCM में जब कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं लिखा जाएगा, कॉमन अगर माने भी तो 1 है, राइट। इनटू इसमें क्या बचता है 17, इसमें कितना बचता है 23 और इसमें 29, इन्हीं का प्रोडक्ट करेंगे। तो इससे आप लोगों को एक बात गौर करनी है कि अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1, एचसीएफ ऑफ द प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1 एंड द एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, देख रहे हैं ना 17 23 टू 29, इफ द नंबर्स आर प्राइम देन द एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, पहले 17 का 23 से कर लीजिए, 17 का 23 से 3 से 21, 3 1 जा 3 2 5, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 1 3 193 और 391 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 29 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 93 जा 27 और ये 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7 ऐड कर दीजिए 9 3 3 और यहाँ 11, ओके। तो इसका जो एलसीएम आया वो 11,339 आ गया, तो ध्यान रखना, ओके। तो इसमें क्या भी मैंने कहा कि यदि इफ द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ इज 1, ओके, एंड द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, अगर प्राइम नंबर्स है तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल, ये ध्यान, ओके। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ, ध्यान दीजिए क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, एकदम आसान एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है ध्यान देना है, गिवन दैट ऐसे लिखा हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स है 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू, दे दिया है यहाँ 9 एंड फाइंड एलसीएम लिखा है, फाइंड एलसीएम, ओके, फाइंड एलसीएम। तो ध्यान दीजिए टू नंबर्स यहाँ गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट कर, हम लोग जानते हैं सेंस एचसीएफ इनटू एलसीएम is equal to product of numbers, product of numbers, okay। तो LCM कितना दिया है 9, LCM हमको find out करना है, चलिए यहाँ LCM हो गया, या x मान के करिए ऐसे, and product of numbers, numbers कितने हैं 306 into 657, तो देखिए यहाँ से LCM 9 से divide हो जाएगा, LCM आ जाएगा, LCM is equal to 306 into 657 upon 9। अब देखना ये है कि ये कैंसिल 9 से कौन सा हो जाएगा, 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 हम देना है, 9 3 जा 27 और 3 बचेगा 3, 9 4 जा 36, इसका मतलब 34 का किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 657 से, यही क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ओके। तो 34 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 34 से किस पे मल्टीप्लाई करना है 567 में, 34 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 और 4 6 जा 24 एंड 2 26, 4 5 जा 20 एंड यहां 22, 3 7 जा 21, 2 हो जाएगा 3 6 जा 18 और 20 और 3 5 जा 15 एंड 2 17 ऐड कर दीजिए 8 7 2 9 एंड 1, बाकी कैलकुलेशन अपने जा लिए, मैंने मेथड सिखा दिया, ये आ गया आंसर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का सलूशन रहा, ओके। दोनों नंबर्स गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो एलसीएम अपने आप आ जाएगा इस फॉर्म में, ओके। और उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां से चेक वेदर, चेक करना है चेक वेदर 6 to power n can end
डिजिट विद द डिजिट जीरो और एनी नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन, इसमें नेचुरल नंबर एन दिया हुआ है, किसी भी नेचुरल नंबर से देखिए यहां से कोई भी डिजिट जीरो से एंड तब होता है जब इसमें दो फैक्टर्स होते हैं टू एंड फाइव दोनों। अगर किसी फैक्टराइजेशन में टू एंड बोथ टू एंड फाइव नहीं है, दोनों नहीं है, टू और टू भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, या एक भी इसमें से नहीं होगा, या दोनों होने चाहिए, किसी भी डिजिट के जीरो से एंड होने के लिए टू और फाइव दोनों फैक्टर होने चाहिए, तो देखा जाए इसमें कि दोनों है या नहीं है। अगर दोनों नहीं होंगे तो ये डिजिट किसी भी n के लिए जीरो से एंड नहीं हो सकता है। तो देखिए सेंस सॉल्यूशन में 6 टू पावर n को 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इनटू 3 पावर n, देखिए इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ओके यानी 6 यहां पे 5 नहीं है, देयर इज नो फैक्टर 5 हियर, यानी लिखेंगे कि सेंस देयर इज नो फैक्टर 5, 5 is not a factor here, 5 is not a factor, 5 is not a factor, दोनों होने चाहिए, so ऐसे लिख देंगे 6 to power n cannot end with 0, 0 से end नहीं हो सकता, okay, इसमें 0 कभी, इसकी power किसी भी numbers को यहाँ n की कोई भी value रखेंगे, तो लास्ट में इसके जैसे 2 रखेंगे तो इसको आया 3 रखेंगे, यानी कोई भी नंबर यहां रखें वो 0 से एंड अप नहीं हो सकता है, 0 नहीं है क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 0 से एंड अप होने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ध्यान रखना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पार्ट है इसमें, एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13, okay, and 7 into 6 into 5 into 4, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sub here, 3, 2, 1, प्लस में दिया है लास्ट में 5 और कंपोजिट नंबर्स आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, ओके, जो अदर नंबर्स से डिवाइड हो जाए, राइट। तो देखिए पहले हम फर्स्ट पार्ट इसमें जो फर्स्ट को दिखा रहे हैं पहले इसको दिखाएंगे कि कैसे कंपोजिट है, उसके बाद इसको देखेंगे, ओके। सिंस 7 इनटू 11 इनटू 13 प्लस 13, इनमें देखिए 13 पहले कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए, राइट, 13 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से क्या आया 12 कॉमन है, देखिए 13 इंटू 7 इंटू 11 78 ये आया क्लियरली, देखिए ये जो ये नंबर है दिया हुआ ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, क्लियरली इट इज कंपोजिट। देखो जब 1 और खुद ही ये नंबर अगर फैक्टराइजेशन में है तो वो प्राइम होता है, अदरवाइज कंपोजिट, तो आप देख रहे हैं कि 13 से या इसके जितने 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ओके, तो ध्यान रखना है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ध्यान रखना है ये क्लियरली 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. कंपोजिट नंबर होगा, ओके। एकदम उसी तरह से इसको करना है, चलिए इस पार्ट को भी बता दे रहे हैं, देखिए क्लियर हो गया होगा, क्लियरली कंपोजिट नंबर है, ऑल्सो हम ये नंबर ले ले रहे हैं सॉल्यूशन में, ऑल्सो इसको ले ले रहे हैं, यहां पे आ जाएंगे, देखिए इनमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन इस वाले पूरे में, इतने में और इसमें 5 कॉमन, जब 5 कॉमन लेंगे यहां से क्या बचा 7 into 6 into 5 तो कॉमन ले चुके हैं 4 into 3 into 2 into 1 और लास्ट में यहां
इसको सिंपलीफाई करके दिखा दें कि ये कंपोजिट होगा 5 इनटू देखिए यहां से 7 6 और 42 ये 42 आ गया, यहां से 12 एंड 24 आ गया, तो 24 का 42 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 हो जाए 2 का 4 ओके 4 हो जाए 16 और 4 हो जाए 9 8 0 और यहां पे 1008 ये आ गया। एक 1 ऐड भी करना था यहां, 1 कितना हो गया 1008 9 तो ये 1 ऐड भी करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड होगा, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई पहले होता है बॉर्ड मास मल्टीप्लाई। क्लियरली ये भी क्या है, कंपोजिट है, ये जो पूरा सॉल्यूशन आएगा उसका ये कंपोजिट नंबर है व्हिच इज क्लियरली ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि ये अदर नंबर से भी क्या हो रहा है डिवाइड। ओके एक 5 से है, 1 और खुद नंबर हो अभी बता चुके थे कि वो प्राइम। ओके ध्यान रखना है। अब हम लोग आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, एकदम आसान है, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन आसान है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन समझिए, There is a circular path. Question number 7 देखिए purely क्या लिखा है। There is a circular path around a sports field. Around a sports field, कोई sports field के around a circular path है। Sonia takes 18 minutes to drive. इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है LCM निकालना होता है। Sonia takes 18 minutes to drive one round. One round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. And you see the field kick around the 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time, दोनों सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं राउंड लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन After how many minutes? How many minutes they will meet? Again at the starting point. तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम निकालने, देखिए क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ओके, और सर्कुलर पाथ पे सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट से, देखो इसे 18 मिनट्स लगते हैं, इसे रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, दोनों सर्कुलर पाथ पे सेम टाइम, कोई सर्कुलर पाथ है, सेम टाइम से और सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं, तो वे उनके एलसीएम जो टाइप का एलसीएम होगा 18 और 12 का एलसीएम होगा उतने मिनट बाद दे मीट अगेन एट द सेम। एलसीएम निकालना होता है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहाँ कुछ और दिया होता है, यहाँ भी दिया होता है, तो कितने मिनट्स बाद मिलते वही एलसीएम भी निकालना होगा। इस तरह इस क्वेश्चन में 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए और वही आंसर होगा। तो चलिए जो ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड टाइम, तो आप लिख दीजिएगा इसे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में, ऐसे लिखिएगा रिक्वायर्ड टाइम
कैल्शियम ऑफ 18 है 12, राइट। 18 और 12 का एलसीएम देख लिया जाए, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। तो पहले एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया था, पहले दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन 2 हो गया, दोनों का कॉमन 3 हो गया। अब जो फर्स्ट में बचा है, फर्स्ट में क्या बचा है 3, और सेकंड में क्या बचा है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 36 मिनट्स, ओके। इट देयर फॉर दे मीट आफ्टर, दे मीट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ओके। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताएंगे, ओके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टीचिंग का यही कोई फीस या कोई इस तरह का नहीं, आप लोग जानते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अन्य अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे जैसे ज़्यादा ही जैसे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑनलाइन भी सुविधा मिल जाती है उस चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, मित्रों से कहेंगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे, टिल देन बाय।